हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप सबका मेरे किचन में। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ पूरी के साथ खाने वाले आलू की सब्जी। ये सब्जी बहुत ही झटपट बन जाती है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। इसे बनाना बहुत ही सिंपल है। इस सब्जी में हम लोग प्याज लहसुन का यूज नहीं करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पहले आलू को बॉयल कर लेंगे। आलू को 2 सीटी लगने तक हम लोग को बॉयल करना है, उससे ज़्यादा बॉयल नहीं करना है। जब तक आलू बॉईल हो रहे हैं तब तक कुछ मसाले भून लेते हैं। यहाँ हम लेंगे थोड़े से गरम मसाले, 2 टुकड़े दालचीनी के, 2 लौंग, 1 छोटी इलायची, 1/2 बड़ा इलायची और 3-4 कबाब चीनी, ये सौंफ, थोड़ी सी साबुत धनिया, कुछ साबुत काली मिर्च, थोड़ी सी साबुत जीरा, 2 खड़े लाल मिर्च, इसे साबुत अजवाइन। मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। मसालों से बढ़िया सा खुशबू आने लगा है, मसाला भून गए हैं। अब हम इन मसालों को ठंडा करके दरदरा पीस लेंगे। मसाले हमें ऐसे ही दरदरा पीसना है, इससे ज़्यादा महीन नहीं करना है। आलू बॉयल हो गई है। हम एक आलू को कद्दूकस कर लेंगे, बाकी सारे आलू को छीलकर काट लेंगे। एक आलू को कद्दूकस कर लिए, बाकी सारे आलू को काट दिए। अब चलिए हम आलू की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई गर्म हो गए हैं, अब हम इसमें डाल देंगे सरसों का तेल। तेल भी गर्म हो गए हैं, हम इसमें डाल देंगे तेजपत्ता, डालेंगे थोड़ा सा हींग। इस सब्जी को बनाने के लिए हम कोई भी फोरन का यूज नहीं करेंगे। हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ अदरक, थोड़े से बारीक कटे हुए शिमला मिर्च। अदरक और शिमला मिर्च को अच्छी तरह से भून लेंगे। ये थोड़े से हरे मिर्च, 1 टमाटर बारीक कटे हुए, 1 नमक, आप अपना स्वाद अनुसार डालें, 1 हल्दी, 1 अब हम इसमें डाल देते हैं कद्दूकस किए हुए आलू। टमाटर गल गए हैं, सब्जी अच्छी तरह से भून गई। हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। मसालों को 1 मिनट भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे हमारे उबले हुए कटे हुए आलू। आलू को 2 मिनट भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे दरदरे पीसे हुए मसाले। मसालों को डालने के बाद हम आलू को कवर करके पकाएंगे थोड़ी देर के लिए। सब्जी अच्छी तरह से भून गई है, अब हम इसमें डाल देंगे पानी। सब्जी में डाल देते हैं एवरेस्ट का सब्जी मसाला। सब्जी को 5 से 7 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। सब्जी बन गई है, हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और थोड़ी देर के लिए सब्जी को ढक कर रख देंगे। पूरी के साथ खाने वाली आलू की सब्जी बनकर तैयार है। हम इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी हरी धनिया।
अगर आप सभी को मेरी यह रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर से मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ।